अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको दिखाते हैं कि पोठा से जो है वो जाना।
हाँ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन अस आए आज त्राणे ने नका एक खूबसूरत जगह से असबे वादा तो सने वादा किया था कि इतना पूरा अच्छी तरह यह जरा नज़ारा है उसका कि दसा साढ़े इनताई प्यारे मोहतरम दोस्त है जनाब इबादतुल्लाह साहब जड़ी ना तल्ला किया जलोन अल्लाह एक सरार साहब की इनवाइट किया सा इतना रहने लेकिन लोग उसे मजबूरी की वजह से नहीं आई सके। हाल ही सोदिया थी आए तकरीबन दो माह हुई है तो इन असा की गाइड किया इतना जी आंदा मैं चैनल की मसादत नाल और अपने दोस्तों की मसादत नाल शुक्रिया अदा करना चाहना। काफ़ी इन्हें बचपन इतना गुजारिया इस जगह पर इस जरा टराने ने नका या कुआं भी तुम तक इर्द गिर्द ने मनाजर भी तुम तक इन्हें को पुछसा कि पहले इतना माहौल की है जैसा कोई दरख्त वगैरह हुए सन डोगरा दौड़ी जिस तरह इन्होंने बहुत जदाद जड़े उन्हें दसिया उसी कि क्या मतलब इतना को रोड वगैरह से वो इन्होंने को पुछने तो मजीद साढ़े नॉलेज जरा इजाफा कर सकते जी बदत भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अलहमदुलिल्लाह अलहमदुलिल्लाह। दसो इस थोड़े इस जरा टराने ने नका या इसने बाड़ी कि बचपन से इतना छने रहे हो तकने सुने रहे हो सो क्या इसने बाड़े से मजीद जानने हो मोहतरम बचपन साढ़ा इतना गुजरिया जरा माल बछा असा चराना बकरी शकरियाँ वगैरह तो इतना शुरू तो जरा ना असा छने रहे हूँ तो तकरीबन आठ दस साल तो बाद मैं इतना आया तो इतने दरख्त भी आए थे उस तो बाद जल्द फौजियाँ इतने मशक शुरू की उस हैलीकाप्टर लाने की वजह ना उस वजह जरा दरख्त कटने पे गए तो बाकी इतने बजुर्ग लोग दसने कि इस रस्ते पर डोगरा नहीं जी रोड भी सी बनू पानी आने से कसा पर अच्छा अच्छा तो वो असा तो नहीं तके लेकिन पत्थर वगैरह तके कि इस नके ने पर रोड जी जी वो खोतियाँ खोतियाँ पर या किसी चीज़ पर पानी आने रे सही है। अच्छा तो इसने खल पे तकने इधर पूरा तकरीबन तहसील से पूरा व्यू असा कड़ी सकते केड़े मौसम की आवाम की मैसेज दसो इतना अच्छा नज़ारा करन मैं तकना नाजरीन की इतने लोग इतने कोऑपरेटिव है यकीन जाने कि जिला अस उतू थलो अछने पे उस जगह पर ते मौसम बचियां तो चार पानी ने जग तो एक गिलास थी नहीं रस्ते खल दियाँ सियाँ जिन्हें कि मैं ना जानना यकीन करो तो कितने लोगों की इस तरह कोऑपरेटिव लोग ने क्या मैसेज देना चाहते हो आवाम की तो इस एरिए ने लोग ही अजय है जो अच्छे जी जड़ियाँ बच्चियाँ से साढ़ा कजन है साहक साहब जी उन्होंने बच्चियाँ ही साढ़े कजन नहीं तो जड़ा भी बंदा अच्छा उसी पानी पिलाने अगर कोई जानने वाला है या नहीं है ठीक है घर अगर कोई औरत भी है तो वही बच्चियाँ निकियाँ कि पैसी के जने पानी पिलाओ जी तो बाकी इधर ने जड़े लोग है तुम्हें पता गरीब लोग जड़े होने वो दिली तौर हमदर्द होने तो जिस टाइम पैसा आ जाना तो बंदे ने दिलै च हमदर्दियाँ निकली जानी तो ये लोग हमदर्द है सारे लोग जिले भी कोई बंदा अच्छा उसने तो करने सही है। अच्छा इतना रोड भी कौन अच्छी काफ़ी पसमानदा इलाका लेकिन थे बहुत खूबसूरत था क्या किसनी कमी है इसे मजीद लीडरानी जी अदम तवजो ने शिकार वो तो बने नहीं जरूरत नहीं बेहतर तुम जानने हो कि इस माहौल हो रहा इस इलाके कैसा माहौल चलना पाया कि त्रेड़ी तारी तो खास करी जड़ा ना इग्नोर किया जाना तो मेन चीज़ जी है रोड है बुनियादी चीज़ा सेहत और तालीम होनी वो तो तुमने सामने आगे कख भी नहीं है ठीक है मेन चीज़ रोड ही रोड ना तुम आए हो सड़क पर तुम तक क्या क्या लाते तो अगर सड़क नहीं है तो बंदे आने वास्ते मजबूर किस तरह आने गड्डी नहीं आनी बड़े मुश्किलों ना लाने ठीक है तो बाकी जो दूर दराज तू बंदे आने उन्हें इे रिक्वेस्ट है कि जिस टाइम बारिश हो तो मौसम बड़ा प्यार आना उस टाइम अचो ताकि तुम अगर पीछे कोई नज़र भी नज़ारा भी हो जाए सही है। बहुत शुक्रिया इबादत भाई को चैनल ही साथ मैसेज देना चाहते हो आवाम की कोई बहुत शुक्रिया जी इरफान भाई तुम अज पहली दफ़ा नहीं आए बल्कि पहले भी अच्छे रहे हो बड़ा अच्छा तुम करदार इस इलाके तो आवाम ही असा इे गल आखने कि हक ना साथ दियो तो जिस जड़ा भी बंदा हक ना साथ देसी असा सुना लिया नाजीन साढ़े बहुत ही प्यारे दोस्त है कुलीक वसीम आसफ साहब अजय बाद तलाकार बंदा ने जाना इन्होंने को पुछने इस नाले इतना आए विजिट करने आतफ साहब भी इस नाल कमर साहब है उस्मान साहब है सराड़ा जितने भी इतना अज विजिट करने इन्होंने को पुछने की अजा लगा इन्हें जी वसीम भाई क्या मैसेज देना चाहते इस एरिए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम मैं पहले तो इबादत भाई ने बड़ा शुक्रिया अदा करना है कि उन्हें असंगीत है मेज़बानी ने उन्हें काफ़ी हक अदा किया काफ़ी मुश्किल रास्ता है थे लेकिन यह कि पिकनिक पॉइंट बड़ा अच्छा है बनी सकना अगर इसी कोई हुकूमती थोड़ी तवज्जो दी जाए तो बड़ा अच्छा व्यू ओवरऑल तुम वैली की तकी सकने हो त्रेड़ी ताड़ की भी तकी सकने हो तो और पूरा ओवरऑल पूरा सेंसा पूरा पूरी न्यारा करी सकने हो। अच्छा लोग इतों पंजोसा जाने काफ़ी एक्सपेंसिव आ उतना भी तको संख्या कुछ ही जगह ही है तो इतना भी तको कि काफ़ी हाइट पर इतना पूरा अस नज़ारा करी सकने हैं क्या मैसेज देना चाहिए उतना भी जाना ठीक है या क्योंकि ओवरऑल अस तहसील ने अपनी जगह ही है खूबसूरत हुकूमत अगर इतना कोई लिफ्ट वगैरह लै या कोई इतना पिकनिक पॉइंट मजीद बनाया क्या मैसेज देना चाहते हो अगर इतना सहूलियात थोड़ी जी रोड्स ने वाले
थोड़ी जी बेहतर की जान तो बजाए वह भी असर ने अपने इलाके लेकिन यह कि असर ने अपनी जरा हल्का या तहसील ही उसने एरिए की अगर प्रमोट करने ना कोई किरदार अदा करी सकना तो मैं समझना कि यह काफ़ी बेहतर जगह है। सही है, बहुत शुक्रिया जी। जी आतफ साहब, तुम इतना आए हो, क्या महसूस किया ने इस खूबसूरत जगह पर? अच्छी तरह हाइट पर यहाँ आकर काफ़ी अच्छा महसूस किया है। एक तो यहाँ पर हमने बहुत अखलाकी लोग देखे हैं, इसलिए कि छोटी छोटी बच्चियाँ आई हैं, हमें पानी दिया है उन्होंने। तो यही हम कहते हैं कि ये जो हुकूमती लोग हैं या जो टूरिज़्म को ये कहते हैं प्रमोट करेंगे, अभी ये वाकई गवर्नमेंट की पॉलिसी भी चल रही है, अगर हमारे इस हल्के की कोई इस तरह लीडरशिप हो जिसके अंदर विजन हो इस तरह इसको प्रमोट करने का, लेकिन यहाँ लैक ऑफ विजन है, लीडरशिप के पास कोई विजन नहीं होता। अगर इसे प्रमोट करेंगे आप तो एक तो ये जो तहसील लेवल पर आप देखें रेवेन्यू इंक्रीज़ कर सकते हैं, यहाँ पर लोगों को रोज़गार मुहैया हो सकता है यहाँ पर अगर इस तरह के काम करेंगे यहाँ पर तो ये, लेकिन इसके लिए हमारे जो लीडरशिप है या लीडरशिप के अलावा भी पॉलिटिकल लीडरशिप के अलावा भी जो हल्के के लोग हैं बड़े लोग हैं उन्हें बैठकर इस बारे में सोच विचार करनी चाहिए कि हम लोग यहाँ पर ऐसा एक माहौल क्रिएट करें कि दूर दराज से लोग भी यहाँ विजिट करने के लिए आएँ। बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन तो क्या तुसा कितनी खूबसूरत जगह इन्हें दोस्तों पुराने विचार रिव्यू भी जो कहते तो हमेशा जिस तरह बादल भाई है कि अच्छो जिस तरह कोई बारिश हो या मौसम साफ हो ठंडा हो जगह पर खूबसूरत जगह ना नज़ारा कर सकते हैं, बदकिस्मती ना लाज एकता गर्मी है और ऊपर जो बादल है वो नीचे थोड़ा जिस वजह से अस मजीद व्यू ना कर सकते जितना तुम कि दसिया या नाल दसना पे फिलहाल तुम उस अपने गुजारा करो और कोशिश करो कि आप इस जगह पर अच्छो इन्हें लोगों ने जरा कल्चर रस्म रिवाज है इन्होंने मुहब्बत जरा तुम तको कि कितने अच्छे लोग इस जगह पर और हुकूमती इदारियाँ थी हमेशा नहीं तरह ये अपील कर सा कि खुदा रहा कोई ओशन नाखन कि नो इतना बी एच यू कोई नहीं इतना बड़ा त्रेड़ी धारना एरिया जितों लोग वोट किन्ने सारे लीडरान तो बी एच यू नहीं सहूलत होगी इदारे हो गए स्कूल हो गए उन्होंने लैक काफ़ी कमी है उन्होंने तो इस पर थोड़ी तवज्जो दी जाए। उम्मीद है तुम्हें यह जरा निका जहा विजिट डॉक्यूमेंट्री टाइप सी पसंद आया उसी मैं एक दफा फिर इबादत भाई ना मशहूर हाँ जिन्हें असा कि गाइड करता इतना जी आता तो मजीद व्यू तुम कि जरा दसने तब तक अगली कुछ डॉक्यूमेंट्री मैं इजाजत चाहना है वॉइस ऑफ सियासत ऑफिशियल पेज पर इरफान शबीर अल्लाह हाफिज़। बूटे भी लाई लो शेड एक बनी चार पिलर रही जाओ मैं